Hey guys, welcome to Social Friend channel. Excel की स्टडी में इससे पहले हमने बताया पावर टेबल के बारे में और मैक्रो के बारे में बताया अटेंडेंस रजिस्टर बनाना. अगर आप ये वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप जाकर के ये वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको अटेंडेंस बनाना हो तो मैक्रो के साथ. चलिए आज के फीचर में ये होगा कि हम कैसे डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करें. जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाए और इस डेटा सीट में डेटा ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाए तो इस चीज़ को हम देखेंगे कैसे आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इस एरिया को आप सेलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको डेटा फीड करनी है. इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ. डेटा एंट्री फॉर्म, इसे डेटा एंट्री फॉर्म क्यों बनाते हैं और ये डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है. उन्होंने अक्सर सुना है डेटा एंट्री किया जाता है, वो डेटा एंट्री में उसका जॉब लगा है, ऐसा बहुत सारा हम लोग सुनते हैं. तो सिंपल सी बात सुन लो इतना कि डेटा एंट्री कुछ हम किसी के बारे में, जैसे जनगणना होता है, जनगणना में क्या होता है कि एक व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल, उसका बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, मकान नंबर, गाड़ी का नंबर, घर, मतलब उसका पूरा डिटेल, वो क्या कहलाता है, डेटा. ठीक है, तो एक व्यक्ति के बारे में पूरा उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन. जब बहुत सारा डेटा जुट जाता है तो उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, डेटा की एंट्री करेंगे एक व्यक्ति के बारे में. तो चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करना है. इस एरिया को आप सेलेक्ट कर लो और होम बटन पे जा करके यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाओ. यहाँ पे कॉलम वीड लिखा हुआ है तो इसका हम 8.43 होता है. ये जान लो आपकी एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट विट होता है कॉलम का वो 8.43 होता है. ये आपके एग्जांपल पर से भी हेल्प करेगा. तो यहाँ पर हम इसका दे सकते हैं 12, इसका साइज दे दिया हमने, ये थोड़ा बड़ा हो गया. अगर और देना चाहते हो तो एक और काम कर लो कि थोड़ा सा और बड़ा कर लो, मैंने 15 कर लिया. और एक और चीज़ ख्याल रखना है इसमें, इसको आप पूरा एरिया को सेलेक्ट करो. जो हमारा डेटा होगा ना वो कुछ अलग डिज़ाइन में होगा. Ctrl+1 प्रेस करना, Ctrl+1. यहाँ पे एक फीचर हमारे पास होगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा श्रिंक टू फिट, क्लिक करो और यहाँ पे ओके कर दो. इससे क्या होगा, अगर ये मैं इसमें डेटा, कोई बड़ा डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसी कॉलम में रहेगा, इससे बड़ा कहीं बाहर नहीं जाएगा. तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे. तो पहले इसमें लिख लेते हैं हम सीरियल नंबर और इसमें हम लिखते हैं कैंडिडेट नेम. इसमें हमने लिख दिया, देखो यहाँ पे अगर बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा. कैंडिडेट नेम, इनका फादर नेम, यहाँ फादर नेम छोड़ देते हैं. फादर नेम के बाद हमने दे दिया मोबाइल नंबर, यहाँ हमें लिख दिया ईमेल, यहाँ पे आधार नंबर, एड्रेस, जेंडर के बाद यहाँ पर कुछ और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हमने दिया मकान नंबर. तो ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो. एक और चीज़ जानो, जहाँ पे आपने एड्रेस दिया है, एड्रेस के साथ आपको एक यहाँ पे कॉलम चाहिए, यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर दो. यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट पर क्लिक करना, यहाँ लिखा है एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम पे क्लिक करो, ओके करो, तो यहाँ पे एक आपको एक मिल जाएगा कॉलम. ठीक है, तो ये वाला आप उधर उठा कर इधर रख दो. यहाँ लिख दो आप मकान नंबर, यानी रूम नंबर, रूम नंबर. ओके, एड्रेस नंबर, जेंडर हो गया. इसके बाद हाउ मेनी कैंडिडेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि परिवार में कितने सदस्य हैं, तो लिखो हाउ मेनी कैंडिडेट, कैंडिडेट इन फैमिली. देखो ये कोई ये जो है मैंने लिखा है इतना बड़ा सेंटेंस, ये ऑटोमेटिक इसी ब्लॉक में एडजस्ट हो जाएगा. ये देखो, अगर मैं इसको जब बड़ा करूँ ना तो ये उसी अकॉर्डिंग जो फॉन्ट साइज है उस साइज में बड़ा होगा. ठीक है, तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सेट कर सकते हैं. इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जब जनगणना होता है कि आपके घर में टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, येस और नो, तो इस चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं. इसको इंक्लूड करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, वो मैं दिखाता हूँ. लिखते हो कि आपके पास घर में गैस कनेक्शन है,
तो ये सब हम डेटा एंट्री में कोई फॉर्म बना सकते हैं। तो यहाँ लिख दो, देखो यहाँ पे हैव यू टू व्हीलर, तो इसको आपने लिख दिया क्वेश्चन टैग में, इसको आप सेलेक्ट करो। इस एरिया को आप जब सेलेक्ट करो और आप इंसर्ट मेनू में जाओ, यहाँ लिखा हुआ है टेबल, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल टी, तो इसको क्लिक करना और यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है माय टेबल हैज हीडर, सो इस पर आप क्लिक करो और ये हीडर बन चुका। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो ये हीडर रेडी। अब हमें फॉर्म मंगाना है, फॉर्म मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, हम फाइल पे जाएंगे, देखो फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन, ऑप्शन पे क्लिक करना, आपको एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज रिबन, सो कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना, यहाँ पर लिखा है कमांड फॉर्म और यहाँ पर क्लिक करना ऑल कमांड, ऑल कमांड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म, तो हम एफ प्रेस करेंगे और एफ प्रेस करके हम इसको सर्च करेंगे फॉर्म, तो हमें यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा कुछ देर में, फिर आप फॉर्म ये दिख रहा है, इसको आप क्लिक करो और जहाँ आप इसको मंगाना चाहते हो ऐड कर लो। ठीक है, अभी लोकेशन पूछ रहा है हमसे, तो हम लोकेशन क्लिक करते हैं हम होम पे, और होम में पूछ रहा है कहाँ पे चाहिए आपको, तो वो आप क्लिप बोर्ड मंगाना चाहो तो आप क्लिप बोर्ड में मंगा लो, या इसको हमें यहाँ पर नहीं मंगाना तो हम यहाँ पर इसको कहीं और भी मंगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक मेनू बना के रखा है खुद के नाम से, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे आपको बहुत सारे, चलो यहाँ मैंने कहा तो चीज टूल्स मेनू, ओके ऑल टैब, यहाँ पे होम मेनू और ये पैन वाला है, यहाँ पर मैंने ये फॉर्म है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ना, क्लिक करके ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है ये फॉर्म, और इसको ओके करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, यहाँ पे आप ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेना, ऑल कमांड जब सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे फॉर्म लिखा होगा, फॉर्म को क्लिक करके यहाँ पे ऐड ऑप्शन होगा, इसको लोकेशन क्लिक करके आप ऐड कर लेना, तो यहाँ पर ओके करना। अब देखो इसका जो हीडर होगा, हीडर पे क्लिक करना, और यहाँ पे मैंने एक मेनू बना के रखा है, यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म पे आप क्लिक करो, देखो ये फॉर्म ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें क्या करना है, आप जो भी डेटा यहाँ पे इंक्लूड करोगे लिखोगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा एंट्री हो जाएगा, ये एक बहुत ही बेस्ट फीचर होता है हमारे लिए काम करने के लिए, इसको क्लिक करो, जैसे कैंडिडेट ने मैंने दिया रोजा पार्कर, अभी का मोबाइल नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, इनका ईमेल है roza@gmail.com और इनका आधार नंबर दे दिया मैंने, सोलह डिजिट का, और रूम नंबर इनको दे दिया मैंने 55, और इनका एड्रेस दे दिया हमने NDR, जेंडर में हमने दे दिया इनका फीमेल, और हाउ मेनी कैंडिडेट इन फैमिली, इनके फैमिली में 5 कैंडिडेट हैं, और हैव यू टू व्हीलर, तो बोलते यस, यहाँ पे यस लिख दिया, तो जैसे आप यहाँ पे न्यू पे हम क्लिक करेंगे ना बटन पे, ऑटोमेटिक डेटा एंट्री हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, तो एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है ये हमारे काम के लिए। अब देखो नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए फिर से ऐड करो, क्लिक किया और कैंडिडेट का नाम यहाँ से दे दो, ज्योत्सना, और इनका मोबाइल नंबर दे दिया मैंने, और इनका ईमेल jo4@gmail.com, और इनका आधार नंबर, तीन डिजिट का, रूम नंबर दे दिया हमने 222, एड्रेस दे दिया हमने इनका ALD प्रयाग,
जेंडर दे दिया हमने फीमेल, और हाउ मेनी कैंडिडेट इनके फैमिली में तीन मेंबर हैं, और हाउ हैव यू टू व्हीलर यस, और यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे ये डेटा फिट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है, नंबर हमने लिखा है ये ऐसा फॉर्मेट क्यों आ रहा है। तो ये जो होता है ना फॉर्मेट, ये जनरल फॉर्मेट होता है, इस चीज़ को हमें सेट करना पड़ता है। तो इस फॉर्मेट को हम पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, और हमें जाना होगा होम ऑप्शन में, या जो नंबर ऑप्शन होता है इसमें जनरल ऑप्शन होगा, अब क्लिक करना नंबर पे, तो ये डेटा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पर इसका जो एरिया है इसको सेलेक्ट करके आप कर दो इसको मिडल पॉइंट, तो आपका डेटा एकदम बढ़िया से हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़, अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर क्लिक करो और आपको जो फॉर्म है फॉर्म पे आप क्लिक कर लेना, देखो यहाँ पे दिख रहा है, और नेक्स्ट करो आप तो नेक्स्ट मंडे का आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फाइंड प्रीव्यू एंड नेक्स्ट वो आपको दिख जाएगा। ओके यहाँ पर एक और चीज़ मैंने, आप फिर से क्लिक करो और फॉर्म पे आप क्लिक कर लेना, यहाँ पर देखो यहाँ से न्यू करोगे तो न्यू हो जाएगा। अगर आपको डेटा फाइंड करना है यहीं से डिलीट भी करना है तो आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, आपको फाइंड करना है एक नंबर या तो दो नंबर फाइंड करना, मुझे दो नंबर क्लिक किया, मैंने लिखा फाइंड नेक्स्ट, देखो यहाँ पर डेटा आ गया दो नंबर का। इस तरीके से हम डेटा को फाइंड करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन मिल रहा है हमें डिलीट, तो पूछ रहा है डिस्प्ले रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीट, ओके करोगे आप जैसे ही ये दो नंबर का डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी काम होगा अगर कंपनी में या कोई शॉप है आपके पास, उसमें केवल आपको डेटा एंट्री करना है, केवल फीड करना है, तो आप इस तरीके से आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा वीडियो का एंड, आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर करें इसमें, और अपने दोस्तों के साथ इस फीचर को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड